दुनिया के 10 सबसे खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शंस पार्ट 2। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हमें पूरी तरह चौंका देती हैं। ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि अगर आप एक बार वहां चले जाएं तो शायद ही दोबारा वहां जाने का सोचें। बेहद पथरीली चट्टाने, खतरनाक सड़कें और रास्ते, जानलेवा जंगल, एक्टिव वोल्केनो, मिनटों में खून जमा देने वाले सर्द इलाके और बेहद गहरी खाइयां, इन सभी जगहों पर इंसान हमेशा से अपने मजे के लिए जाता रहा है और कई लोग इस खतरे का मजा चखने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आइए जानते हैं दुनिया की कुछ डेंजरस और एडवेंचरस प्लेसेस के बारे में जहां हर वक्त मौत सर पर मंडलाती रहती है। नंबर 10, माउंट वाशिंगटन। यूनाइटेड स्टेट के शिमाल मशरकी हिस्से में सबसे बुलंद तरीन मुकाम ये पहाड़ सतह समंदर से 6,288 फीट बुलंदी पर वाकया है। ये मुकाम देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जो चीज इस खूबसूरत जगह को खतरनाक बनाती है वो है यहाँ का मौसम। जी हाँ, यहाँ पर रहना तो दूर की बात, आप यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। अप्रैल 1934 में इस पहाड़ी चोटी पर दुनिया की सबसे तेज तरीन हवाएं रिकॉर्ड की गई थी, जो 372 किलोमीटर पर आवर थी। इस पहाड़ पर दर्जा हरारत -44 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इस चोटी पर हर साल हजारों से इन तेज हवाओं से मुकाबला करने आते हैं। अगर हवा का दबाव बढ़ा तो ये किसी भी शख्स को तिनके की तरह उड़ाकर ले जा सकती है। नंबर 9, केजराग बोल्टन, नॉर्वे। ये पत्थर 984 मीटर की बुलंदी पर दो पहाड़ों के बीच में अटका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग हजारों फीट बुलंद इस पहाड़ पर चढ़कर इस पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी और फोटो बनाना पसंद करते हैं। मतलब दुनिया भर के सर फिरे लोग इस इंतहाई खतरनाक पत्थर पर चढ़कर पिक्चर बनवाना पसंद करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये पत्थर इन पहाड़ों के बीच में से खिसका तो इस पर खड़े होने वाले की शायद डेड बॉडी भी ना मिले। नंबर 8, न्यू समरीना बीच, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का ये बीच अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खतरनाक होने की वजह से मशहूर है। दुनिया भर के सरफिरे लोग इस बीच पर शार्क्स के साथ स्विमिंग करने के लिए फ्लोरिडा का रुख करते हैं। यहाँ स्विमिंग करने वाले और शार्क्स के बीच सिर्फ चंद मीटर का फासला होता है। इस बीच को पूरी दुनिया में शार्क के हमलों का दारुल हुकूमत भी माना जाता है। इस बीच पर होने वाले शार्क्स अटैक पूरी दुनिया के शार्क अटैक से भी ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। इस बीच में अब तक 300 से ज्यादा लोग शार्क के हमलों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, मगर फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग इस बीच पर आने से बाज नहीं आते। नंबर 7, यूसेमिट नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया। दोस्तों, इस जगह पर अब तक 318 मिलियन लोग आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या खास है इस नेशनल पार्क में जो यहाँ इतने सारे लोग आते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस नेशनल पार्क में वाटरफॉल्स और नेचर से कनेक्टिविटी के साथ साथ इस नेशनल पार्क में बहुत से बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन पर लाखों की तादाद में लोग हर रोज चढ़ते हैं और एडवेंचर का मजा लेते हैं। 2005 से 2015 तक इस नेशनल पार्क में 290 एक्सीडेंट और 12 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, इसलिए ये नेशनल पार्क हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है। नंबर 6, वोल्केनो बोर्डिंग निकारागुआ। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में सरफिरे लोगों की कमी नहीं, तो आज आप इन लोगों की ही मिसाल ले लें। एडवेंचर के शौकीन लोगों ने एक्टिव वोल्केनो को भी नहीं बख्शा। आमतौर पर सर्फिंग समंदर की लहरों पर की जाती है, पर यहाँ पर सर्फिंग एक्टिव वोल्केनो के ऊपर की जाती है। ये लोग दुनिया भर में एक्टिव वोल्केनो ढूंढते हैं और फिर बोर्ड पर बैठकर नीचे फिसलते हैं। नीचे आते वक्त इनकी स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर होती है। नीचे आते वक्त राइडर का मुंह धूल और मिट्टी से भर जाता है। नंबर 5, रनिंग ऑफ द बुल्स, स्पेन। स्पेन के शहर पैम्पलोना में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। हर साल लाखों लोग इस त्यौहार में हिस्सा लेने आते हैं। इस त्यौहार में 6 या फिर 10 वहशी सांड सड़क के बीच में छोड़ दिए जाते हैं और इस सड़क पर हजारों अफराद मौजूद होते हैं। ये अफराद इन बैलों के आगे दौड़ते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। इस खेल में हर साल हजारों लोग शदीद जख्मी होते हैं और कई तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठते हैं। नंबर 4, बंजी जंपिंग, न्यूजीलैंड। दोस्तों, बंजी जंपिंग के बारे में आप सभी जानते होंगे, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसमें आपको किसी बहुत ही ऊंचे मुकाम से मजबूत केबल्स और बेल्ट वगैरह से बांधकर नीचे धक्का दे दिया जाता है। न्यूजीलैंड में बंजी जंपिंग बहुत ही मशहूर है और न्यूजीलैंड को ही बंजी जंपिंग का घर कहा जाता है। बंजी जंपिंग को मजीद खतरनाक बनाने के लिए इसमें चेयर्स पर बिठाकर जंप लगाना, आंखों पर पट्टी बांधकर और यहां तक कि सर पर ड्रम डालकर जंप लगाया जाता है। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं या फिर ऊंचाई से डरते हैं तो आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। इस खेल में ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें रस्सी टूट जाती है
और इस तरह कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग इस राइड का मजा लेने जरूर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। नंबर 3, ग्लास ब्रिज चाइना। दोस्तों, ये पुल जमीन से 980 फीट ऊंचा है। इस ब्रिज पर चलने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि कांच का बना ये ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट फुटपाथ है। इस पर चलने वाला हर कदम पर यही सोचता है कि अभी हिलता हुआ ये ब्रिज टूट जाएगा। इतनी बुलंदी से ट्रांसपेरेंट फुटपाथ के आर पार नीचे देखने से हर इंसान खौफजदा हो जाता है। इस ब्रिज के कुछ हिस्सों पर क्रैकिंग इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी किया गया था, जो फिलहाल खत्म कर दिया गया है। नंबर 2, माउंट हुआशान चाइना। दोस्तों, ये पहाड़ चाइना के 5 सबसे बड़े पहाड़ों में से एक पहाड़ है। इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद खूबसूरत और कदीम मंदिर और सूरज के तुलू और गुरूब होने के मनाजर किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मगर वहां तक पहुंचना किसी कमजोर दिल वाले इंसान के बस की बात नहीं। दरहकीकत इस चोटी पर पैदल ही पहुंचा जा सकता है, और वो भी सिर्फ 12 से 15 इंच चौड़े रास्ते पर चलकर। कहीं कहीं तो ये रास्ता इतना तंग हो जाता है कि पांव रखना भी मुश्किल हो जाता है। पुराने और खस्ता हाल लकड़ी के तख्तों से बने इस रास्ते पर चलना मौत के रास्ते पर चलने के बराबर है। यहाँ आपकी जरा सी गलती आपको हजारों फीट नीचे गहरी खाई में गिरा सकती है। पिछले कई सालों में इस चोटी तक रसाई की ख्वाहिश सैकड़ों लोगों की जाने ले चुकी है। दोस्तों, क्या आप भी इस पहाड़ पर चढ़ना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, मोंटे पियाना इटली। दरअसल मोंटे पियाना इटली का 2324 मीटर बुलंद एक पहाड़ है। इस मुकाम पर हर साल हैमक सीजन फेस्टिवल मुनक्कद होता है, जिसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं। इसमें दो पहाड़ों को एक मजबूत लोहे की केबल से कनेक्ट किया जाता है, और इस केबल पर दुनिया के इंतहाई सर फिरे लोग, मैं इन्हें जिंदगी से तंग लोग कहूंगा, पैराशूट बांधकर रातें गुजारते हैं, कुदरत के खूबसूरत मनाजर से लुत्फंदोज होते हैं। मेरे पास तो इन लोगों के लिए अल्फाज खत्म हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो का पार्ट 3 बनना चाहिए तो भी बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।